और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी सरकार में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का बेटा फिरोज और भूरा हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया है भूरा को। देश छोड़कर भागने की फिराक में था। अवैध मीट प्लांट संचालन के मामले में पूरी की पूरी याकूब फैमिली इस वक्त फंसी हुई है। देश छोड़कर ना जाने पर ही उसकी जमानत हुई थी और इसी शर्त के आधार पर उसे जमानत मिली थी। फिलहाल मेरठ पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। थाना खरखौंदा में ये मुकदमा दर्ज है। अब दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है फिरोज। बातचीत करने के लिए निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, क्या जानकारी मिल रही है? बता दूं कि मेरठ में अवैध मीट प्लांट संचालन के मामले में याकूब फैमिली पहले से फंसी हुई है। पिछले 3 साल से मुकदमा चल रहा है और इस मामले में याकूब को फरार होना पड़ा, बेटे फरार हुए, करोड़ों की कुड़की हुई। लेकिन अब उसके बाद जब इन सब की जमानत हो चुकी है तो ये देश छोड़ के भागने की फिराक में था। ये जो फिरोज है, फिरोज और भूरा, ये दुबई जाने की चाहत में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था, लेकिन वहां इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने इसको हिरासत में ले लिया, इसको डिटेन किया और वहां से इसको वापस लौटा दिया। वहीं खरखौदा पुलिस भी पहुंची थी, उन्हीं की सुपुर्दगी में इसको दिया गया और उसके बाद अब इसको फिलहाल छोड़ दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि याकूब फैमिली, जो कि याकूब कुरैशी एक बड़ा नाम था, बसपा सरकार में पूर्व हज मंत्री थे और इस रसूख के बावजूद वो अवैध मीट प्लांट संचालन कर रहे थे और उसी मामले में ये 2 साल पहले फंसे थे। इस पूरे मामले में याकूब कुरैशी फरार हुए, उनके बेटे भी फरार हुए, उनकी पत्नी के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया और अब जब थोड़ा मामला ठंडा हो गया तो ये लोग यहाँ से देश छोड़ के भागने की कोशिश में जुटे हैं। फिरोज और भूरा को बिल्कुल करके तो देश से भागने की कोशिश में जुटा हुआ था भूरा, लेकिन अब वो एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल जानकारी देने के लिए।